चौगान माता का 15वां विशाल हवन यज्ञ व भंडारे का हुआ आयोजन। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों से बढ़ता है भाईचारा। समाज सेवी रमेश राठी। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 बिस्वा चटवाड़ा मोहल्ला नजफगढ़ रोड स्थित चौगान माता मंदिर पर चौगान माता का 15वां वार्षिक विशाल भंडारा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन चौगान माता सेवा समिति द्वारा किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, समाज सेवी रमेश राठी व लोगों ने चौगान माता का हवन यज्ञ करके भंडारा किया गया। समाज सेवी रमेश राठी ने कहा कि चौगान माता के प्रति जटवाड़ा, सैनीपुरा, नजफगढ़ रोड व शहर के हजारों लोगों की गहरी आस्था है। समिति के प्रधान रमेश राठी ने कहा कि 14 जनवरी को सुबह 9 बजे हवन यज्ञ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गुरुकुल कन्याओं व आत्मशुद्धि के महात्माओं द्वारा यज्ञ किया। समाज सेवी रमेश राठी ने कहा कि सच्चे मन से जो भी भक्त चौगान माता मंदिर में मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल की तरह अब की बार भी 15वां भंडारा जो है यहाँ पे चौगान माता मंदिर के जो चौगान माता सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश राठी हैं जो हर साल इस भंडारे को करवा रहे हैं, अब की बार भी ये भंडारा करवाया जा रहा है। और रमेश राठी जी से मैं पूछ रहा हूँ, रमेश राठी जी अब की बार ये 15वां चौगान माता का भंडारा हो रहा है, कितनी खुशी होती है आपको हर बार? सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सभी अपने साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज चौगान माता का 15वां भंडारा है और इसमें चौगान माता के भक्तों का मेला लगता है और कम से कम बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और आज के दिन माता का विशेष आशीर्वाद भक्तों पर बरसता है। मैं जी के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि भंडारे में जरूर आएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को भी लेकर आएं। यहाँ पे गुरुकुल की कन्याओं के अलावा जो आत्मशुद्धि आश्रम से भी संत आते हैं वो किस वक्त यहाँ पे आके वो करेंगे हवन? 9:30 बजे यहाँ गुरुकुल की कन्याएं, महात्माओं और आत्मशुद्धि आश्रम के सदस्यों द्वारा विधि विधान से माता के गुणगान करते हुए हवन यज्ञ किया जाता है और बहुत ही विशेष और सराहनीय तरीके से ये हवन होता है। सभी से निवेदन है कि हवन में भी जरूर आए। मैं अभी रमेश राठी जी जो चौगान माता सेवा समिति के अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने पूरी तरह अच्छी तरह जानकारी दी।